वेलकम टू लॉन्ग टर्म शेयर्स। आप सभी का स्वागत है और देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन है, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज हमारे एक फ्रेंड सब्सक्राइबर ने पूछा है मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो चलिए मैं कुछ बताना चाहूँगा मन इंफ्रा स्टॉक के बारे में। तो पहले हम एक उसकी वेबसाइट पर देख लेते हैं क्या करती है। MICL ग्रुप रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अ लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर इन मुंबई। MICL ग्रुप इज वन ऑफ द पायनियरिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स इन मुंबई। अवर लेगेसी डेट्स बैक टू 50 ईयर्स प्लस, 50 सालों से इनकी विरासत है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट बिगन विद अवर पेरेंट कंपनी मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, वी मे बी जस्ट 7 ईयर्स इन टू द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट बट डेफिनेटली नॉट नाउ। तो पिछले 7 सालों से इस फील्ड में ये विकास कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में फुल्ली लगे हुए हैं। प्रोजेक्ट्स में नज़र मारते हैं इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में तो ये है आराध्या ईस्टवुड, आराध्या हाई पार्क, आराध्या रेसिडेंसी, इट मीन्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड पार्क्स वगैरह बनाते हैं। विक्रोली दहिसर घाट के ऊपर में इनके साइट्स चल रही हैं। और हाँ, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है चेंबूर घाटकोपर, और यहाँ पे चेंबूर एरिया, ये मुलुंड सायन और घाटकोपर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में ये है इनके पास। तो चलिए काम इनका चल रहा है और इनका मार्केट में नाम भी अच्छा है। हमने भी कंस्ट्रक्शन के काफ़ी लोगों से अगर बातचीत की थी तो इसका जिक्र आता है और एक रेपुटेड कंपनी है, इसका नाम नहीं ख़राब कि बहुत कर्जा हो। जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियों ने जिन पे केसेस चल रहे हैं जो निवेशकों को फ्लैट नहीं दे पा रहे हैं और बहुत सारा उन्होंने जो धांधली की है उस पर केस चल रहे हैं और कुछ लोग तो जेल में भी हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और चलिए प्राइस वगैरह देख लेते हैं। मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अप्रैल 30, 2019 1:45 है और 35.10 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो बनाया था 31.30 रुपये और 52 हाई था 54.74 रुपये। 100% बाई कॉल है लोगों की और कंसोलिडेटेड हम देख रहे हैं चार्ट। मार्केट कैप है इसकी 868 करोड़, EPS है 2.12 रुपये, PE है इसके 16.56 की, बुक वैल्यू है 30.80, प्राइस टू बुक है 1.14 एंड फेस वैल्यू 2 की, डिलीवरेबल है 77.70 जो कि डिलीवरी काफ़ी ज़बरदस्त दिख रही है। अब कंसोलिडेटेड हम फाइनेंशियल के रिजल्ट्स देख रहे हैं इनके। बैलेंस शीट पे देखिए इन पे कर्जा 436 करोड़ का है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, बट रियल इस्टेट में तो लोग हज़ारों करोड़ में कर्जा ले रखा है, 7,000, 8,000, तो उससे तो बहुत ही बेहतर है बहुत कम कर्ज़ा, क्योंकि इनका कर्ज़ा इस तरीके होता है कि जो माल बिका हुआ होता है उस पर भी इनको अभी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते, तो चलता रहता है एक डेट पे ही काम चलता रहता है कि उधारी लेना उधारी देना। एनीवेज ये कर्ज़ा फिर भी मामूली से लग रहा है, बट यहाँ पे जो इनके चार्ट हैं रिजल्ट्स हैं मार्च 2018 में जहाँ पे नेट सेल्स थी 222 करोड़ की, वहीं जून 2018 में कम होकर रह गई 133 करोड़ की, और सितंबर 2018 में रह गई 58 करोड़ की, और दिसंबर 2018 में रह गई 44 करोड़ की। लगातार नेट सेल्स में गिरावट है। नेट प्रॉफिट में जहां 45 करोड़ मार्च 2018 में थी वहीं 11 करोड़ रह गई 51 लाख जून 2018 में, और सितंबर 2018 में 12 करोड़ थोड़ी सी बढ़त के साथ 31 लाख, 12 करोड़ 31 लाख, और दिसंबर 2018 में सीधे 81 लाख की इनकी नेट प्रॉफिट रह गया, तो काफ़ी डाउन साइड है। और मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज एन इंडियन बेस्ड कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन। द कंपनी ऑपरेट्स कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, रियल एस्टेट एक्टिविटीज। MICL हैज़ अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अक्रॉस पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। तो काफ़ी इनके पास ऑर्डर्स हैं, जिस प्रकार से ये अलग अलग सड़कों का भी निर्माण करती, पोर्ट भी बनाती, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्स, इंस्टीट्यूशनल, तो बहुत सारे इन्होंने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं जैसे कि हमने देख चुके हैं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में। दीज इंक्लूड्स क्लाइंट्स सच एज गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज के लिए भी लोग प्रोजेक्ट लेके इनको कंप्लीट करते हैं। तो प्राइवेट हाउस है,
2002 से काम कर रही है। और डिविडेंड देखिए, ₹1.26 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। इतने छोटे स्टॉक का जो प्राइस है, तो ज़बरदस्त डिविडेंड इन्होंने पे किया लास्ट ईयर, और उम्मीद है कि इस साल भी पे करना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट तो बहुत कम है, लेकिन Q4 के रिजल्ट्स भी अवेटेड हैं। और चलिए फाइनेंशियल देख लेते। देखिए यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हम कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में जहाँ हम देख रहे हैं, सितंबर 18 से दिसंबर 18 में नेट सेल्स में 23.82% की डाउन साइड है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 82.22% की डाउन साइड है, और मार्जिन में भी यहाँ पे 14.15% के करीब डाउन साइड है। तो इसके रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आए क्वार्टर टू क्वार्टर के, लेकिन हम एनुअल देख लेते हैं। एनुअल जहाँ मार्च 18 में वहाँ 44% के आसपास नेट सेल्स है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 88.29% की अपसाइड है, और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 25.49% की अपसाइड है, मार्जिन भी यहाँ 7.16% की अपसाइड। तो ईयर ऑन ईयर नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट में काफ़ी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर के रिजल्ट ख़राब आए हैं। अब वेट करते हैं कि Q4 के रिजल्ट कैसे आएंगे। और प्रमोटर्स के पास, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की, दैट्स वेरी नाइस थिंग। और 64.16% के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। FIIs 14 FIIs हैं इसमें, और इंडिविजुअल्स हैं 23.73% के आसपास। दोस्तों ये अगर रियल इस्टेट में जो लोग इच्छुक हैं पैसे लगाने को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में देखिए, अभी पिछले 10 सालों में आप 10 साल पहले अगर चाहें तो बहुत हॉट हुआ करते थे स्टॉक्स, ये कंपनीज़, यह सेक्टर ही पूरा पावर का और रियल इस्टेट का ज़बरदस्त हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में लगातार पोजीशन ख़राब होती गई, और आज भी रियल इस्टेट का उतना दमखम नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अच्छी कंपनियां हैं, जिन पे कर्जा कम है, जिनके प्रोजेक्ट्स बड़े समय पे कंप्लीट करते हैं, उनमें से मैंने इंफ्रा भी है, तो ये कंपनियाँ भविष्य में हो सकती है कि आगे चलकर आज काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको करवा सकें। और अभी भाव तो कम ही है, 35 रुपये के आसपास है, तो कुछ लोग अगर चाहें तो कुछ शेयर्स ले सकते हैं जिनको इंटरेस्ट है इस सेक्टर में पैसा डालने की। तो मन इंफ्रा एक अच्छी कंपनी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक इसमें अगर आप गूगल न्यूज़ करेंगे तो बहुत कोई बुरी खबर नहीं है, ना इन पे कोई केसेस ऐसे कोई चल रहे हैं। मेनली क्या होता है, मैनेजमेंट होता है, डेट होता है, और उनके बिजनेस कैसा चल रहा होता है ये देखना होता है। हाँ, एक दो क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब हैं, ईयर ऑन ईयर के तो अच्छे थे इसमें, लेकिन अभी Q4 के भी रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है दोस्त जिसने पूछा था, मैं नाम तो उनका एग्जैक्ट भूल गया हूँ, बट आप चाहें तो इसमें अपनी बाइंग थोड़ी थोड़ी शुरू कर सकते हैं, लंबसम नहीं, एक SIP के थ्रू थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। जैसे जैसे अगर Q4 के रिजल्ट्स है तो और भी आप बढ़ा सकते हैं, अगर आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट है। तो यहीं पे अपना वीडियो मैं वाइंड अप करूंगा। और फ्रेंड्स एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप मशवरा कर लें। हमारा काम है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना। Thank you for watching this video.